आईपीएल 2024 का 29वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। हर सीजन की तरह इस सीजन भी मुंबई और चेन्नई के इस मैच को महामुकाबले की तरह देखा जा रहा है। जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो फैंस को एक काटी की टक्कर देखने को मिलती है। ऐसे में इस बार भी फैंस को वैसे ही मुकाबले की आस है। जहां एक तरफ सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी कप्तानी छोड़ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को भी कप्तानी से हटा दिया गया है। इस बार दोनों टीमें अपने नए नए कप्तान के साथ खेल रही हैं। ऐसे में ये राइवलरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की और बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, साथ ही बात करेंगे दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 की। अगर बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तो दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 36 मैचेस खेले हैं, जिनमें से मुंबई इंडियंस को 21 में जीत मिली है, वहीं चेन्नई ने 15 मैचेस जीते हैं। वहीं पिछले 6 मैचों की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने 2 मैच जीते हैं, वहीं चेन्नई को 4 में जीत मिली है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमों के आंकड़ों की बात करें तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स अब तक 11 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें से चेन्नई सुपर किंग्स को 7 मैचों में हार मिली है, वहीं मुंबई को 4 में हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच के लिए वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों को अधिक मदद प्रदान करती है। यहां शुरुआत में 30 गेंदबाजों को अच्छा उछाल और मूवमेंट मिलता है और रात में ओस के कारण यहां चेस करने वाली टीम को फायदा मिलता है। जो भी टीम यहां टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है। अगर दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, टीम डेविड, मोहम्मद नबी, रोमार्डियो सेफर्ड, जसप्रीत बुमराह, गेरॉल कोएटजी और आकाश मधवाल को मौका मिल सकता है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, डेरिल मिचेल, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे, समीर रिजवी, रविंद्र जडेजा, महेश तिश्ना, तुषार देशपांडे और मिस्त फिजूर रहमान खेल सकते हैं।